हारिब से इनकार के बाद ताजन फारिस के लिए ना मानी तो हया को इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा कहीं और? नहीं मिलेगा मम्मी, इसलिए दिल से नहीं दिमाग से फैसला करें और समझाएं हया को हाँ कर दे शादी के लिए। ये सच है कि मैंने आज तक तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। मुझसे शादी करोगी? अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हारी हया सारी जिंदगी तुम्हारी चौखट पर बैठी रह जाएगी। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता। मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारी माफी की ना अब जरूरत और ना ही अहमियत। कड़ी लो ना, बुशा लाइए तुम्हारे लिए। Really? मेरे लिए? हाँ, वैसे तो हफ्ते में एक दो दफा बना लेती है, लेकिन आज तो खास तौर पर तुम्हारे लिए बना कर लाइए ये कड़ी। उन्हें कैसे पता चला कि मुझे पसंद है? लो, कैसी बातें करते हो हारे, भूल गए क्या बचपन में तुम और हया उसके बावर्ची खाने में बैठ कर गरम गरम पकौड़ों के साथ कड़ी खाया करते थे, याद है ना? वैसे मुशरा बहुत प्यार करती है तुमसे। आपने भी तो हया को इतना प्यार दिया। हाँ, ये तो है। फारिस, तुम कब आए बेटा? बस अभी आया। तो आओ ना, बैठो, खाना खाओ। भूख नहीं है। It's okay. तुम खाना शुरू करो, मैं बात करके आती हूँ। क्या तरीका, हारिब क्या सोचेगा? आपने कभी मेरे बारे में सोचा कि मैं क्या सोच रहूंगा? आहिस्ता बोलो, मैं तुम्हारी वजह से इस घर में कोई तमाशा नहीं लगने दूंगी। और तुमने तो कसम खाई थी कि तुम हया को भूल जाओगे। अम्मी, मैं अपनी कसम नहीं भूला, लेकिन आपसे ये कसम हर किसने खाई थी कि मैं ना खुश होने के बावजूद भी आपको खुश होकर दिखाऊंगा, सबके साथ बैठूंगा, खाना खाऊंगा। आप क्यों नहीं समझती मुझसे नहीं हो सकता है सब कुछ? हया और हारिब का रिश्ता मंजूर नहीं किया तो मैं फारिस और हारिब की शादी कहीं और तय करूं। वो खालदा आई थी पैसे लेने। कौन से पैसे? वही जो शाजिया की शादी में उससे उधार लिए थे। नहीं है मेरे पास। आप ही ने तो कहा था ले लो, महीने के एंड में मैं दे दूंगा। सुबह बात करेंगे। ये क्या बात हुई, अब कौन देगा उसको पैसे? आप ही के कहने पे तो लिए थे।
बुशरा क्या हुआ तबरेज? क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सीने में दर्द हो रहा है। मैं हया को बुलाती हूँ। हया फारिस। फारिस उठो बेटा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? तबरेज की तबीयत अच्छी नहीं है, तुम ऊपर जाओ, मैं हारिब को उठाती हूँ। परेशानियों में देखता हूँ। प्लीज देखो। नहीं देखा, तुझे मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है? उन्हें स्ट्रोक हुआ है। पर कैसे? आप मुझे ये बताइएगा, उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई टेंशन है? इसी स्ट्रेस की वजह से उनकी ये कंडीशन हुई है। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे? हम उन्हें घर कब लेके जा सकते हैं? 24 घंटे क्रिटिकल है, 2 से 3 दिन में तबीयत बेहतर हो जाएगी, फिर आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा, उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी या स्ट्रेस से दूर रखिएगा, वरना तबीयत मजीद खराब हो सकती है। हया का गम अबू को लग गया है। एक बात पता है क्या? हया की खुशियां अबू की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। मैंने ऐसे कब कहा है? तो आप ताई जान को हारिब के लिए हाँ क्यों नहीं करती? सोच सोच के बीमार पड़ गए अबू। एक बात पता है, आपकी हैसियत है कहीं और रिश्ता करने की, कहाँ से पूरी करेंगे लड़के वालों की डिमांड्स? क्यों मैं गलत कह रही हूँ शासिया? नहीं मिस्टर बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी तो कोई बात ठीक लगती नहीं किसी को। तुम यहाँ अपने बाप की आयादत करने आई हो या मुझे ताने देने आई हो? अम्मी आपको तो मेरी हर बात ताना ही लगती है। एक बात बताएं, अगर आपने ताई जान को इनकार कर दिया तो अब्बू का क्या होगा? हालत देखिए आपने उनकी। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? बस वैसे ही है। आप अंदर चलिए, मैं उनके लिए सूप गर्म करके ला रही हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत कभी नहीं चाही थी। मैं ज्यादा देर तुम्हें इस तरह देख भी नहीं पाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल में रहम आ जाए और मैं अपना इरादा बदल दूं। चलती हूं। अरे आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बस चलती हूँ, हया आए तो उसे भेज देना। जी आपने बुलाया था ताईजान? हाँ आओ बैठो। देखो मेरी जान, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें प्रेशराइज कर रही हूं या इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हूं। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ, बाकी तुम्हारा अपना फैसला है। जो तुम बेहतर समझोगी वही करना। देखो मेरी जान, ये तो तय है कि औरतों की जिंदगी मर्दों की जिंदगी से ज्यादा दुश्वार होती है, इसीलिए शायद औरत आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच कर फिक्रमंद होती रहती है, परेशान होती रहती है। शायद इसीलिए वो ये हर वक्त सोचती रहती है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, उसका ससुराल कैसा होगा, उसकी जिंदगी का साथी कैसा होगा। यही बातें ले रात रात भर सोने नहीं दे। लेकिन मैं इतना जानती हूं कि तुम कभी भी ऐसे सवालों के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हें इस घर में सब कुछ मिलने वाला है। हाँ अगर तुम्हारा कोई मसला है तो वो तुम्हारी मोहब्बत है ना। लेकिन मेरी जान ये जरूरी तो नहीं है कि इंसान जिससे मोहब्बत करे उसी से शादी भी हो जाए। ज्यादा जरूरी तो ये है कि जिससे इंसान की शादी हो वो मोहब्बत करने वाला। आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूं, एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें कभी नहीं बताई। मेरी शादी तुम्हारे अब्बू से होना थी लेकिन किसी वजह से नहीं हो सकी। फिर बड़ों ने फैसला किया कि मेरी शादी हारिब के अब्बू से कर दी जाए और मेरी शादी शम्स से हो गई। मैंने अपना सर बड़ों के फैसले के सामने खम कर दिया, कोई जिद नहीं की। जो फैसला उन्होंने किया मैंने मान लिया और मैं तुम्हारे ताया अबू की दूसरी बीवी बन गई, हारिब की सौतेली मां। शम्स ने मुझे पहली बीवी होने का दर्जा तो कभी नहीं दिया लेकिन
दूसरी बीवी होने का एहसास भी नहीं दिलाया, और मैं ना चाहते हुए भी उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारती चली गई और इस फैसले पर पहुंची गई। बड़ों का फैसला मानने में ही अच्छाई होती है। मुझे तो वो सब कुछ मिला जो बड़ों के फैसले मानकर मिलता है। दौलत मिली, आसाइशें मिली, घर मिला, वो सब कुछ मिला जिसकी ख्वाहिश कोई भी लड़की करती है। लेकिन सब चीजों से ज्यादा मुझे सुकून मिला। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हें तो कोई एहसास नहीं दिलाएगा कि तुम सौतेली माँ हो, और तुम्हें कभी भी सौतेले रिश्ते नहीं निभाने पड़ेंगे। देखो, अगर तुम समझती हो कि हारिब से शादी करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, तो बखुदा मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करूंगी। तुम्हारी अपनी मर्जी है, ये फैसला तुम खुद ले सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हारिब को तुमने ठुकराया तो फारिस भी तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं हारिब को किसी तरह का भी दुख दूं। मैं हारिब की खुशियों की कब्र पर अपनी किसी औलाद की खुशियों का महल तामीर करने दूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। मजबूरी होगी जिसकी वजह से तुम पीछे हट रहे। मैं वो वजह भी नहीं पूछूंगी, मुझे ये बता दो, क्या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी? उठो,
मैंने कहा उठो। ये क्या पता सब खैरियत है? मैं बात कर रही। तुम्हें मेरी कसम फोन मत बंद करना। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकते? बस कह दिया ना एक दफा, नहीं मिल सकता। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं हारिब से शादी कर लूं? मुझे मेरा जवाब मिल गया। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से तुम पीछे हट रहे। मैं वो वजह भी नहीं पूछूंगी। बता दो, क्या तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी? क्या तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करते हो? हाँ या ना में जवाब देना। तुम्हें मेरी कसम, सच बोलना। बोलो, था या ना? हाँ। अगर अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, ये बात याद रखना। बस और देर नहीं करना। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के बाद पी लीजिएगा। फिर अम्मी, मुझे आपसे और अबू से एक जरूरी बात करनी थी। मैं हारिब से शादी के लिए तैयार हूँ। आप ताईजान को हाँ कर। दोबारा एक
बहुत जरूरी बात करना है तुमसे। हारिफ को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि फारिस और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वरना आया सब कुछ बिगड़ जाएगा बेटा। फारिस कल सुबह लंदन जा, इन हालात में बेहतरीन फैसला था, वरना उसके लिए और तुम्हारे लिए मसला बन जाता। अब तुम्हारी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, हारिफ को खुश रखना। उस बेचारे ने तो सारी जिंदगी तकसीम शुदा रिश्ते देखे, तुम्हारी तकसीम शुदा मोहब्बत वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे यही पता चलना चाहिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी हो, समझ रही हो ना? जी। शाबाश। जाओ। मैं बुलाती हूँ उसे, भेजती हूँ तुम्हारे पास। जल्दी से आंखें बंद करो। क्यों? तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ ना। रियली? अच्छा दिखाओ क्या है। नहीं पहले आंखें बंद करो। ओके। सही से बंद करो। अच्छा 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 ओके 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 सीरियस। खोलूं? अब देखो। Oh, white shirt. अच्छी है ना? Thank you. तुम पर बहुत सूट करेगी। वैसे मुझ पर तुम भी सूट करोगी। Thank you.
खूबसूरत लग रही हो। ये तुम्हारी मुंह दिखाई ने कहा था खुद पहनाना। पहना दूं? क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हो? पसंद नहीं आया मेरा तोहफा? मैं खुद पसंद करके लाया था तुम्हारे लिए, तुमने ना ही तारीफ की ना ही शुक्रिया अदा किया। मेरी ना ही चीज की कोई कदर नहीं तुम्हें? मैंने कहा उठो। जल्दी उठो। वहां जाके खड़ी हो। जाओ। सारी रात वहीं खड़ी रहूं, हिलना मत। ठीक है, आज ही हारिफ भाई की शादी हुई और आप जा रहे हैं। प्लीज मत जाएं। शिज़ा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छी नौकरी है, दो दिन बाद ज्वाइनिंग देनी, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार थोड़ी आती हैं। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप खुश क्यों नहीं लग रहे? अपनों को छोड़कर कौन खुश होता है, बताओ मुझे। तुम मत जाए ना, यहां भी तो मिल सकती है आपको अपॉर्चुनिटीज। मिल सकती है, जरूर मिल सकती है, मगर जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाहर हैं, यहां पे थोड़ी हैं। अच्छा चलो, अपने भाई को खुशी खुशी रुखसत करो, वरना मैं काम कैसे करूंगा? आप खुश नहीं हैं, तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? शिज़ा, मेरी बात समझो, मैं आता जाता रहूंगा। शिज़ा, भाई की बात मानो बेटा। शिज़ा मेरी बात सुन। पारिस, इसकी फिक्र मत करो,
थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। पता है पिछली बार जब तुम बाहर पढ़ने गए थे ना, तब भी इसी तरह उदास हो गई थी। कितनी देर में घर से निकल रहे हो? बस अभी निकल रहा हूं। अभी क्यों? फ्लाइट में तो बहुत देर है बेटा। हाँ मगर वो दोस्त से मिलते हुए जाना है ना, इसलिए। पता है मैं सोची थी कि मैं तुम्हें खुद छोड़कर आती। जरूरत नहीं है अम्मी सबकी, मैं समझ सकता हूँ कि मजबूरी हो। घर में शादी है, मेहमान है और बहुत कुछ, आपकी सारी मजबूरियां समझ सकता हूँ। इस तरह खफा होकर जाओगे माँ से? जबरदस्ती मुस्कुरा नहीं सकता ना मैं, आप जानती तो है मेरे बारे में सब कुछ। पहुंचते ही फोन कर लेना। वादा नहीं कर सकता, याद आएंगे तो जरूर करूंगा। मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी। अच्छा हरीशोर, बेटे हो तुम मेरे। अच्छा किया आपने याद दिलाकर, बहुत अच्छा किया। एनीवेज गाड़ी बाहर खड़ी है, खुदा हाफिज। फारिस एयरपोर्ट चल रहे? नहीं, किसी होटल चलो या गेस्ट हाउस। तुम वहां क्यों खड़ी हो? ये क्या पता है, और मेरे बीच में जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। किसी का इंतजार था तुम? नहीं, आइंदा हया को मेरे हवाले से कोई ताना मत दीजिएगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को खराज तक आई तो मैं माफ नहीं करूंगी। से डरी डरी क्यों रहती हो? तुम मम्मी को चाय देने गई? जी। उसमें 5 मिनट लगने चाहिए थे लेकिन तुम 20 मिनट बाद। कभी चला कभी बुझा।